हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम कॉर्नर में। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रेंड, जो कि रेलवे मॉक टेस्ट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, इसमें मैं आपके लिए पूरा मिक्सअप क्वेश्चन लाया हूँ फ्रेंड, जो कि रिलेटेड होंगे आपको साइंस से रिलेटेड होंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, और करंट से होंगे, करंट में पूरा जो कि करंट से होंगे इससे क्वेश्चन होंगे फ्रेंड। फिर से जो पूछने वाला है पॉलिटी से क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र से उससे भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड। फिर खेल कूद से भी क्वेश्चन होंगे, जो कि खेल और एक पुरस्कार भी पूछने वाला है, जो कि वो उससे भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड। तो टोटल मिला के फ्रेंड आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग छोड़ के बाकी जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड, उस सब का मिक्सअप टेस्ट सीरीज स्टार्ट है फ्रेंड। तो उस सीरीज का फ्रेंड फर्स्ट वीडियो है। आई होप फ्रेंड आप लोग को अच्छा लगेगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए मस्ट हेल्पफुल होगा फ्रेंड। तो अगर आपको फ्रेंड अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करें फ्रेंड, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा हो सके फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड एक बार ज़रूर कर ले, और ऐसे ही मैं आपके लिए लगातार सीरीज और टेस्ट सीरीज लाता रहूँगा फ्रेंड की, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड। मैंने ऐसे आप लोगों के लिए रेलवे के लिए बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन अपलोड करके रखे हैं, और टू दी पॉइंट क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड। तो जाके आप प्लेलिस्ट मेरा देख सकते हैं चैनल का, आपको में बहुत सारी आपके यूजफुल वीडियोज मिल जाएंगे फ्रेंड। तो अगर फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले कुछ नियम है जो बता दूँ मैं फ्रेंड, हर क्वेश्चन की मैं बोलूँगा और उसमें उसके बाद उसका आंसर के लिए 10 सेकंड टाइम दूंगा, जो कि 10 सेकंड काफ़ी होता है एक क्वेश्चन के लिए फ्रेंड। तो 10 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर या कॉपी कलम लेके बैठ जाएं, आंसर मार सकते हैं फ्रेंड, या देखते ही पता चल सकता है कि आपके कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है फ्रेंड। और जितना सही गलत होता है फ्रेंड नीचे ज़रूर बताएं हमको। ऐसे तो क्वेश्चन की संख्या कुल 37 है, जितना भी होता है क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन हैं पूरे मिला के। तो आप नीचे आपका कितना सही हो रहा है फ्रेंड ज़रूर नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में, अगर आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी तैयारी अभी कितनी है और कैसी है, और कुछ टिप्स भी अगर मुझसे हो सके जितना तक मैं आपको दूंगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2017 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? फर्स्ट है ढाका, सेकंड है फिजी, थर्ड है बॉन, और डी है लॉस एंजलिस। तो बताइए फ्रेंड। तो वर्ष 2017 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपको हुआ था फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ, इसका सम्मेलन हुआ था बॉन में, आपका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 2017 का। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन का महिला एकल वर्ग खिताब जीता था? तो महिला एकल वर्ग खिताब किसने जीता था 2017 का बैडमिंटन चैंपियनशिप का? तो पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, नेहा शर्मा और अर्जुन भार्गव। तो बताइए फ्रेंड। तो ये जीता था फ्रेंड साइना नेहवाल ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सिप 2017 में सुनील कुमार ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में सुशील कुमार ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 65। तो ये जीता था 74 केजी वो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्ष 2023 में रबी विश्व कप आयोजन किस देश में करेगा? तो रबी एक खेल है फ्रेंड, वो 2023 में विश्व कप का आयोजन कौन सा देश में करेगा? जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो ये आयोजन होगा फ्रेंड फ्रांस में। नेक्स्ट है, कुंवर नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? कुंवर नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ है 2017 में, उनका संबंध किस चीज से था? राजनीति से था, खेल से था, पत्रकारिता से था, कविता से था?
कुंवर नारायण सिंह। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड कविता से था उनका संबंध। नेक्स्ट है फ्रेंड हाल ही में विमोचित द क्रोएशियन ईयर्स 1996 से 2012 पुस्तक के लेखक कौन थे। हाल ही में विमोचित एक पुस्तक आया था दी क्रोएशियन ईयर्स, दी क्रोएशियन ईयर जो 1996 2012 पुस्तक के लेखक कौन है। मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, प्रणव मुखर्जी, शेखर गुप्ता। तो ये थे इनके लेखक हैं प्रणव मुखर्जी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड देख लीजिएगा दी क्रोशियल ईयर्स, दी क्रोशियल ईयर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज गति से 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। तो ये तो आपको मालूम ही होगा फ्रेंड, बता सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है, डेविड वार्नर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बाबर आजम। तो वो हैं विराट कोहली जिन्होंने सर्वाधिक सबसे तेज गति से 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक में हाल ही में जारी ई ऑफ डूइंग बिजनेस 2017 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 125वां, 110वां, 120वां, 100वां। तो विश्व बैंक ने हाल ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017 में भारत को मिला है फ्रेंड आपको 100वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड किस देश ने महिलाओं के लिए 2018 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया है। किस देश ने महिलाओं के लिए 2018 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया है। सऊदी अरब, श्रीलंका, सोमालिया, सीरिया। तो वो किया है सऊदी अरब ने, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कैटोलिनिया की संसद ने किस देश से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया। कैटोलिनिया का संसद ने किस देश से स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया है। तो वेंजुएला, स्पेन, मोरक्को, इक्वाडोर। तो वो है, इसका आंसर होगा फ्रेंड स्पेन। नेक्स्ट है रबर का संश्लेषण निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन, अमोनिया। तो रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। नेक्स्ट है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा, पारा, प्लेटिनियम, एल्युमिनियम। सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी बताइए फ्रेंड सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है। तो नायलॉन बनाने के लिए है एडिपिक अम्ल। नेक्स्ट है फ्रेंड मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक, भौतिक, उपयोग दोनों कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्टोर्सियन। जल्दी बताइए फ्रेंड आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। उर्ध्वपातन आसवन, वर्णलेखन, निर्वात आसवन। तो उर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना, पारा, यूरेनियम, नियॉन। सोना, तो ये सबसे ज्यादा मुक्त रूप में पाया जाता है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम करता है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, भारी जल, सिरके का अम्ल। तो पुराने
तैल चित्रों को उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? ऑप्शन ए क्रोमियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम। तो वो बनाता है, सभी रंगीन यौगिक बनाता है क्रोमियम। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। तो होगा हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व है, इसीलिए गुब्बारे में फ्रेंड हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सान सल्फ्यूरिक अम्ल, सान नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज, एसिटिक अम्ल। तो वो घुल जाता है अम्लराज में। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूकोसाइट बनाई जाती है क्लोरीन, एसिटिलीन से, अमोनिया से, नाइट्रो बेंजीन से। तो वो बनाई जाती है एसिटिल। 1997 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको मिला था? 1997 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर जूलियन नरेरा, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर। तो वो दिया गया था लता मंगेशकर को 1997 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ग्रीस कनाड प्रसिद्ध है क्योंकि वे सुविख्यात नाटककार एवं अभिनेता हैं। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष उपयुक्त में से सभी हैं। ग्रीस कनाड, तो ये उपयुक्त में से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नियुक्त में से किससे कम से कम दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किसको कम से कम दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है अभी ओक्टेवियो पाज, मैडम क्यूरी और जॉर्ज चौपाक। तो वो मिला है फ्रेंड, मैडम क्यूरी को दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सा खेल है जिसमें टाइगर वुड्स नाम से विख्यात है? वह कौन सा खेल टाइगर वुड्स नाम से विख्यात है? फुटबॉल, पोलो वॉल्ट, बास्केटबॉल, गोल्फ। तो वह गोल्फ है जो कि टाइगर वुड्स से नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है, फुटबॉल के गोल की चौड़ाई क्या होती है? फुटबॉल के गोल की चौड़ाई क्या होती है? 20 फुट, 24 फुट, 22 फुट, 26 फुट। तो फुटबॉल की गोल की चौड़ाई 24 फुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विमंडल में महिलाओं को एकल मैच की 9 बार चैंपियन रही महिला कौन है? विमंडल में महिलाओं की एकल मैच में 9 बार चैंपियन रहने वाली महिला, मैरी जो फर्नांडेस, जेना नोतना, इवा मोजली और मार्टिन नोरोतिलोवा। तो वो थी मार्टिना नोरोतिलोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय जीवन बीमा निगम निम्नलिखित में से कौन सा योजना एक नियमित वृद्धा पेंशन आश्वस्त होती है? जीवन छाया, जीवन किशोरी, जीवन संचय और इनमें से कोई नहीं वृद्धा पेंशन योजना बना था। वृद्धा पेंशन योजना बना था तो इसमें से कोई नहीं है, वो उस योजना का नाम वृद्धा पेंशन योजना था। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा प्रणाली दशमीकरण कब हुआ था? भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमीकरण कब हुआ था? ये है 1950, 1957, 1955, 1960। तो 1957 में मुद्रा प्रणाली का दशमीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पूंजी संचयन, जनसंख्या वृद्धि, संसाधन खोज और प्रौद्योगिकी एवं विकास। तो वो होगा जनसंख्या वृद्धि,
भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, जो भी लाया हूँ मैं पूछा हुआ क्वेश्चन सब आपके लिए है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वो किया गया है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से, भारत में इसे व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान की रचना में नियुक्ता में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम। तो वो छोड़ा है फ्रेंड भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत के संविधान सभा का गठित करने का अधिकार क्या है? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियम के प्रांतीय राज विधान मंडलों का प्रस्ताव। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड और लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। वो थे महात्मा गांधी, जो कि शामिल नहीं थे 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में। तो ये थे फ्रेंड इम्पोर्टेंट, आपको टू द पॉइंट मैं GK GS लाया था फ्रेंड, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के लिए एक तरह से मॉक टेस्ट है और टेस्ट सीरीज है। ऐसे ही मैं वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहूँगा फ्रेंड, ये फर्स्ट सीरीज है। अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड तो लाइक बटन डाल जरूर दबाएं। अगर आपको ऐसे वीडियो ही चाहिए फ्रेंड जो कि सभी क्वेश्चन का मिक्सअप हो, जैसे कि मैंने बनाया है फ्रेंड, इसमें आपको करंट है, खेल खिलाड़ी है, फिर से पॉलिटी है, इकोनॉमिक है और जो भी पूछे जाते हैं फ्रेंड, साइंस से, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब का मिक्सअप क्वेश्चन है फ्रेंड, सिर्फ मैथ और रीजनिंग को छोड़ के फ्रेंड। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेज रहेंगे फ्रेंड। तो ऐसे ही मैं आपको टेस्ट सीरीज लाता रहूँगा फ्रेंड। अगर आपको ऐसे अगर वीडियो अच्छा लगता है या वीडियो के बारे में कोई सुझाव है फ्रेंड तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड। और अगर ऐसे ही वीडियो फ्रेंड आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूं या नहीं बनाऊं। तो अगर वीडियो के बारे में कोई भी अगर आपको अच्छा लगे तो अगर बनाना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर चाहते हैं ऐसा वीडियो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय, जय हिंद।